बनारस स्पोर्टिंग क्लब द्वारा स्वर्गीय राज नारायण डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। बनारस स्पोर्टिंग क्लब के तत्वावधान में बेनियाबाग राजनारायण स्मारक पार्क में स्वर्गीय राजनारायण डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट का भव्य आयोजन किया गया। उद्घाटन मैच के मुख्य अतिथि महापौर अशोक तिवारी रहे, जिन्होंने सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया। मुख्य अतिथि का स्वागत पुष्पगुच्छ प्रदान कर किया गया। वहीं मैच का उद्घाटन मुख्य अतिथि द्वारा गुब्बारे उड़ाकर व फुटबॉल को किक मारकर किया गया। उद्घाटन मैच बनारस स्पोर्टिंग क्लब बेनियाबाग और नाइक स्पोर्टिंग क्लब के बीच खेला गया, जिसमें बनारस स्पोर्टिंग क्लब बेनियाबाग की टीम 3-2 से विजयी रही। इस मौके पर मेहताब आलम, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद शाहिद, अफरोज आलम इत्यादि लोग शामिल रहे। मैं सबसे पहले यहाँ के जो प्रबंधक हैं, यहाँ के कोच हैं, विशेषकर नूर आलम जो मेरे मित्र हैं, बहुत पुराने मित्र हैं, इन लोगों ने जो प्रयास किया खेल के प्रति, विशेषकर फुटबॉल के प्रति, वो बहुत ही बेहतरीन है। और ये जो बच्चे निकलेंगे, यही काशी और भारत का नेतृत्व करेंगे। और आने वाले समय मैं बता रहा हूँ, पूर्वांचल अगर किसी किसे जाना जाएगा तो वो केवल फुटबॉल से, खेल के मैदान में फुटबॉल से जाना जाएगा, क्योंकि ये जो बच्चे निकल रहे हैं, जो इनकी परवरिश हो रही है, जो इनको कोचिंग मिल रही है, यहाँ के जितने पुराने आज मुझे प्लेयर मिले वो अद्भुत है। आज जितने सभी लोग जितने लगन से, जितना परिश्रम से, समर्पण से काम कर रहे हैं, ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं। खिलाड़ी है खेल की प्रतिभा नहीं, मैं खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं खिलाड़ी दर्शक में बैठता हूँ, लेकिन खेल मेरा शौक है। दुनिया में खेल का जगह, इसकी प्रतिभा को यहाँ को देखते हुए आगे क्या योजना होगी आप लोगों की? आपकी देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी काशी के सांसद हैं, और अभी सिगरा स्टेडियम 700 करोड़ रुपये से बनाया जा रहा है, और भारत सरकार भी खेलो इंडिया के रूप में प्रोत्साहित कर रही है। अभी जो सिगरा स्टेडियम है उसमें सभी खेलों का एक जगह प्लेटफॉर्म दे दिया गया, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, लॉन टेनिस हो, स्विमिंग हो, एथलेटिक्स हो, सबके लिए एक सिगरा स्टेडियम मैदान बनाया गया है। और उत्तर प्रदेश में कानपुर लखनऊ के बाद तीसरा शहर है जहां की इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया जा रहा है। ये हम लोग के लिए बहुत गौरव की बात है, विशेषकर हमारे जैसे जितने यहाँ खेल प्रेमी हैं उनके लिए, क्योंकि खिलाड़ियों को ना कोई जात होती है, ना पात होती है, ना कोई धर्म होता है, उनका एक ही धर्म होता है खेल। जिस खेल में वो खेलते हैं वही उनका धर्म होता है, उन्हें कोई जीतता है ना हारता है, वो दिन केवल होता है उनके लिए अच्छा और खराब होता है। सभी खिलाड़ी अच्छे होते हैं, ना कोई जीतता है ना हारता है, उस दिन केवल उनका रहता तो उनका दिन अच्छा नहीं था, उनका दूसरे दिन दूसरे जो टीम थी उनका दिन अच्छा रहता है। मैं सभी यहाँ के जो बच्चे हैं, जो यहाँ के जो काम सिखाने वाले लोग हैं, कोच हैं, सभी लोगों के समर्पण देखे बहुत आनंद आया, और बहुत खुशी की बात है कि बनारस में ऐसे भी लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। किस तरह का यहाँ ग्राउंड में जो आज मैच शुरू हुआ है, कितना इससे लोगों को, खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा? खिलाड़ियों को तो ज़्यादा कंपटीशन मिलना चाहिए, प्रैक्टिस तो रेगुलर करते हैं लेकिन कंपटीशन ना होने के कारण वो खेल नहीं पाते, इसीलिए ये टूर्नामेंट रखा गया 9-side फुटबॉल टूर्नामेंट। और खिलाड़ियों को कंपटीशन ही चाहिए मेन, और हम एक रिक्वेस्ट भी करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से, हमारे प्रधानमंत्री जी से, मेयर साहब से, कि ग्राउंड बहुत छोटी, पहले बहुत ग्राउंड रहा करती थी, उस ग्राउंड को आज बड़ा करने के लिए रिक्वेस्ट। ये है, एक हफ्ते का मैच है।